है कि बिजनेसमैन केएमआर की बेटी और तीन बच्चियों के किडनैप के विषय में अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। उनके सुरक्षा को लेकर माँ बाप के साथ लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से शहर में बच्चों की किडनैपिंग बढ़ गई है। क्या ये किडनैपर्स किसी एक ग्रुप के लोग हैं या किसी इंटरनेशनल लेवल के हैं? इस विषय में पुलिस अब भी छानबीन कर रही है। क्यों नहीं आया? थैंक यू दीदी। हेलो, सुनिए जी। कौन? कौन? मैं तुम्हारी बीवी वसुंधरा। बोलो। सुनिए जी, मुझे और हमारे बेटे को किसने किडनैप कर लिया है? किडनैप कर लिया? वसुंधरा, तुम डरो मत, मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ, वो आकर तुम्हें बचा लेगा। क्यों जी? तुम ही मेरी जान हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। अब कहाँ गई वो सारी बातें? सिर्फ अपनी पत्नी का ही ख्याल है, मेरी तुम्हें जरा से भी फिक्र नहीं है क्या? अमृता, तुम्हें भी किडनैप किया है क्या? अमृता मतलब वही है ना? देख लूंगी तुम्हें। दीदी, अगर अगली बार मुझे दीदी कहो तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। माँ माँ, जानू छोटी बच्ची को कहते हैं, तो ये तो वो भाई। ए भाई, कौन हो तुम लोग? चेहरा नहीं देखेगा? देखना है, क्या चाहिए बोलो। जहाँ तो खड़ा है वहाँ से आधा किलोमीटर आगे जाएगा तो खिराताबाद का सिग्नल आएगा, वहाँ से राइट लेना, थोड़ा आगे जाकर लेफ्ट मारेगा तो रेलवे स्टेशन आएगा, उसके ठीक सामने अनीता किराना एंड जनरल स्टोर मिलेगा, वहाँ जाकर एक लीटर पानी की बोतल लेकर आ, पानी ठंडा होना चाहिए। वाटर बॉटल के लिए किडनैप किया है तुमने? बिल्कुल है, उस पानी के बोतल के साथ तूने जो चार बच्चों को किडनैप किया उनको विजयनगर जाने वाली लोकल ट्रेन में चढ़ाना है। उतारना कहाँ है मैं बता? हेलो, नेक्स्ट आने वाले स्टेशन पर बच्चों के साथ तू अकेला उतरेगा। अरे इसकी तो चलो, चलो। अरे रुको, मेरी दो फैमिली है, आगे जाकर चेन खींच कर उतारो। ठीक है भाई। अरे चल, 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 चल। बॉटल पे एक गुस्सा उतारेगा, हाँ एक उसे। मेरी फैमिली कहाँ है? अभी तो भेजा उन्हें तेरे लोगों के साथ, तू जिस ट्रेन से आया था। किडनैपर्स के कैद से बच्चे को छुड़ाकर सुरक्षित उनके माँ बाप के हवाले कर दिया है। इन्फॉर्मेशन देने वाले उन अनजान स्टूडेंट्स का पुलिस डिपार्टमेंट शुक्रिया अदा करता है। ध्रुवा, आज 15 सेकंड्स लगे यार। श्योर ना? यप, बराबर ट्रेंड हो गया। लेट्स गो। बाय बाय बाय।
रात जिन बच्चों को बचाया गया उनकी किडनैपिंग वीडियो सोशल मीडिया में हलचल मचा रही है। मेरी बेटी को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए सरकार का और पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया। ग्रेट ना ध्रुवा, मुझे उनके रिएक्शन देख करके बहुत खुशी हो रही है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है और ये तेरे मोटिवेशन का कमाल है। हाँ यार, चाहे जितनी मुश्किलें आए ऐसे काम और करने का मन कर रहा है। सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है यार। यार हम सब लाइक माइंडेड पीपल है एंड इट वर्क्ड आउट। तो फिर अपनी पोस्टिंग आने तक मिलने के बाद इसी स्पीड में जाएंगे तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जिस दिन हमने पुलिस बनने का फैसला किया था उसी दिन से हम पुलिस बन चुके हैं। एंड लेट्स नॉट वेट फॉर द चेंज, लेट्स बी द चेंज। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। ये क्या है पता है? फार्मा इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन। अपनी सरकार एक फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन लाने की कोशिश कर रही है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो 1000 रुपए की मेडिसिन 10 रुपए में मिलेगी। अब कोई गरीब बीमारी से नहीं मरेगा। इससे जनता की बीमारी से व्यापार करने वाली फार्मा इंडस्ट्री सारी क्लोज। अब फ्यूचर में हम डिजीज फ्री इंडिया को देख सकते हैं। क्रेडा तालियां बजाइए, तालियां तालियां। ये क्या, मैं खुशी से बोल रहा हूं और आप सोच रहे हैं? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अगर अभी इसे नहीं रोका तो अपनी फार्मा इंडस्ट्रीज को क्लोज करके भीख मांगना पड़ेगा हमें। आप ही कुछ कीजिए सर, इसे आप ही रोक सकते हैं। बस इसमें आपको ही कुछ करना होगा सर। ऐसा करने के लिए बहुत लोगों को खरीदना पड़ेगा। निकालो, इतने दिन किडनी बेचकर मेडिकल कॉलेज की सीट बेचकर जितना भी लूटा है सब निकालो, नहीं तो इतने दिन जो भी कमाया है कुछ नहीं रहेगा और आगे भी नहीं कमा सकोगे। अपनी जिंदगी में मनहूसियत को आने से रोकने के लिए इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन को आने से रोकना होगा। एक एक्सीडेंट में मेरे फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई तो पोस्टमार्टम के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता ऐसा बताकर उस बॉडी को मॉर्निंग तक ऐसे ही छोड़ दिया। उस दिन उसकी सारी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हुई सर। रूल्स ठीक है लेकिन पहले राजाओं के जमाने में हमारे देश में बिजली की फैसिलिटी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से अंधेरे में पोस्टमार्टम करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम आज तक उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं सर। ऐसे ब्लाइंड रूल्स बहुत सारे हैं सर। सर आजकल तो मोबाइल एप्स भी अपडेट होते हैं, तो करोड़ों की जनसंख्या वाला राज्य अपडेट क्यों नहीं हो सकता? उस इंसिडेंट ने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला सर। That's fine. Can I share something, ma'am? Yes, Gautam. मेरी सोशल व्यूज के स्ट्रेंथ का कारण ध्रुवा है। एक बार उसने मुझसे कहा, मुंबई में अटैक करते वक्त कसाब की उम्र 18 थी, दिल्ली गैंग रेप में इन्वॉल्व लड़के की उम्र 17, इसके अलावा देश में बहुत से एक्सट्रॉशन रॉबरी करने वाले लड़कों की उम्र 17 या 18 होती है। बुरे इंसान को बुराई सीखने के लिए या उसे बुरा काम करने के लिए वक्त नहीं लगता है, लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छा काम करने के लिए ना वक्त देखता है और ना ही बहाने बनाता है। इसकी बातों का मुझ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। एक अच्छा काम करने वाले के लिए हर पल अच्छा होता है ये बोलकर इसने मुझे ये वॉच गिफ्ट की है। इसके हर एक कांटे की आवाज मुझे ध्रुवा की याद दिलाती है, इसीलिए ध्रुवा की इस वॉच को मैं अपने से अलग नहीं करता। Quiet, please. Social views are very well discussed. By our various professionals. तुम लोग रात को दीवार पार करके क्या करने जाते हो? मुझे आज तक ध्रुवा पार्क होटल में आना चाहिए। ये क्या, एक नया हेडेक? ये एसएमएस किसने भेजा होगा? अगले 10 दिनों में पोस्टिंग है, अगर ये बात सुपीरियर ऑफिसर्स को पता चली तो पोस्टिंग कई यार। हम बाहर 40 लोगों से इजीली डील कर सकते हैं, लेकिन एक सुपीरियर ऑफिसर से बात करना बहुत टेंशन हो रही है यार। मैटर बड़ा करने से अच्छा इसे प्यार से निपटाते हैं। देखो हमने ये काम बीच में रोकने के लिए शुरू नहीं किया है, मिलने के लिए बुलाया ना, मिलकर उसकी बात तो सुन लेते हैं। इशिका, ये यहाँ क्या कर रही है? ए?
इतनी सीरियसली क्या बात कर रहे होंगे? मैसेज उसी ने भेजा था क्या? उसी ने। तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? जाओ खुद ही पूछ लो, जाओ पूछ लो। मेरे पापा की तरह मैं भी आईपीएस बनने के लिए सिविल्स पास करके ट्रेनिंग के लिए मसूरी गई। वहीं मैं सबसे पहले ध्रुवा से मिली थी। वाओ, ये कौन है बिबू? मामा, तेरे लिए ही हॉर्न बजा रहे हैं। हाय। हेलो, बस रोकने के लिए कहिए। क्या बात है, बड़ी मेहनत कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो हमें। व्हाट? सुंदर लड़के देखते ही फॉलो करने लग जाओगे। अगर ऐसे ही फॉलो करते रहोगे तो बुजी इशू इसके साथ शादी करवा दूंगी। हा? मुझे मंजूर है। वो बकरा कौन है यार? ये तो अंदर आ रहा है। 2 मिनट्स। मर गए यार, बुलाने पर कैसे नहीं आएगा सर? बाजू मोटी तो नहीं चलेगी, लेकिन तुम जरूर चलोगे। स्टॉप इट, जो सच है वो बताओ। ऐसे मत देखो यार, मतलब ऐसा होता तो अच्छा होता। जो सच है वो बताओ। सच सच बोलो। अब क्या करें? ये तो आ गया यार, इसने तो सच में ही सीरियसली ले लिया यार। सर सर सर, थोड़ी सी फिकर ज्यादा बोल दिया सर। वैसे आप मुझे कैसे देख सकते हैं सर? सीरियसली मतलब सॉरी सर, सॉरी सर। चुप कर, हम कौन है पता है? आईपीएस ट्रेनी। मेरी फिजिक को आईपीएस कैसे सर? इनके साथ आई हूँ सर। ए चुप, बाहर जाओ वरना केस डालकर अंदर करवा दूंगी। इशिका मैं ही हूँ। सुब्रमण्यम जी मेरे पापा हैं। तुम्हारे घर की कीज सर कैंपस में भेजी हैं। आप इस बस से आ रही हो ये बताकर मुझे कीज आपको देनी पड़ेगी। मेरे पापा से क्या कहोगे? आईपीएस क्वालिफाई करके यहाँ तक आई हो, मतलब कितना दर्द झेला होगा जानता हूँ। बीच में मिले इस मौके पर उस दर्द को भूलने की कोशिश कर रही हो, बस इतना ही ना। Have fun. Bye. सब आंखों देखा सच मानकर कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन उसने हमें रॉन्ग सिचुएशन में देखकर भी सही समझा था। वही वो मुझे पसंद आ गया था। उसके साथ मिलकर ट्रेनिंग लेने वाली हूँ ये सोचकर ही मैं बहुत एक्साइटेड थी। और इतने में एक और एक्साइटमेंट। एक्सक्यूज मी, हेलो ऋषिका, यहाँ रेस हो रही है, मूव, हटो। लिफ्ट प्लीज। प्लीज इशिका, मुझे रेसिंग बहुत पसंद है, प्लीज प्लीज। ठीक है। वाह, कौन है ये लड़की? अबे आगे देख वरना गिर जाएगा। गर्लफ्रेंड है क्या? एक्साइटिंग। इतनी आवाजों के बीच मुझे एक आवाज डिस्टर्ब कर रही है, वो है उसके दिल की धड़कनें। इंटरेस्टिंग, ये सुनकर पहली बार मेरी धड़कनें मुझे सुनाई दे रही हैं। रेस की वजह से उसका दिल 150 टाइम्स धड़क रहा था, सिर्फ उसके साथ बैठने से मेरा दिल 200 टाइम्स धड़क रहा था। दिस इज द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ।
एंजॉय योर पार्टी ध्रुवा. थैंक यू सर. ईशिका. हाँ पापा. जानते हो ना, मीट माई डॉटर ईशिका. हाय. पता है सर. जानते हो? बताओ क्या जानते हो मेरी बेटी के बारे में? आई मीन शी इज वेरी इंटेलिजेंट. सुंदर है, इंटेलिजेंट है, ये सब नहीं. और भी है क्या सर? इसलिए नहीं कि मेरी बेटी है, शी इज वेरी ऑर्थोडॉक्स. पार्टी पॉप जाती ही नहीं. तुम मेरी बेटी के बारे में बाद में सुना ना सब. क्या कहा? हाँ सुना सर, ऑर्थोडॉक्स है ना. ध्रुवा पापा वो आप बोलिए ना सर. रिसेंटली उसे शादी के लिए पूछा था, अगर तुझे कोई पसंद हो तो बताओ, शादी करवा दूंगा. पता है इसने क्या कहा? क्या बोली सर? पापा मैं आपकी बेटी हूँ, आप जिसे भी पसंद करेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगी. जो सच है वो बताइए ना सर. वेरी स्मार्ट बॉय. क्या होगा जो बताया उसका उल्टा कर दो. विद्या. हाय. हे हाय. सुंदर व्यू है ना? डिस्टर्ब किया मैंने? नो नॉट एट ऑल. शायद ट्रैकिंग कैंसिल हो गई है. स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर दिया. ध्रुवा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी. यू नो सब मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे पर तुम जो मिले सब कुछ उल्टा हो गया. ध्रुवा तुम सब कुछ आसानी से समझ जाते हो, फिर तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? I think I'm in love with you. वैसे मुझे प्रपोज तो करना नहीं आता है, अगर थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो एडजस्ट कर लेना. जो मन में था वो बता दिया. प्रपोज करना नहीं आता फिर भी लव को इतने अच्छे से प्रपोज किया. लव सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग. मैं उसकी वैल्यू भी जानता हूं लेकिन उसे रिस्पेक्ट दे सकूं इस हाल में नहीं हूं मैं. ये प्यार व्यार मुझसे नहीं हो पाएगा. आई मीन मैं उसके लायक नहीं हूं. मेरा माइंड, मेरा फोकस वो ना कुछ और है, कुछ और ही है. तुम मुझे पसंद हो, खुद को मत बदलो, जैसी हो वैसी ही रहो. लेकिन ये प्यार की बातें दोबारा हम दोनों के बीच लाकर मुझे उलझन में मत डालना और ना ही खुद इसके बारे में सोचना. भूल जाओ यहीं पे. ध्रुवा कम. मेरे ख्याल से समझ गई होगी. मुझे पता था वो मेरी आंखों के सामने रहा तो मैं उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकती. लेकिन ये डर था कि उसे डिस्टर्ब करने से वो मुझसे और दूर हो जाएगा. पापा के मना करने के बाद भी ट्रेनिंग डिस्कंटिन्यू करके मैंने फॉरेंसिक ज्वाइन कर लिया. आ जाओ चाय पीते हैं. तुम्हारे बीच में हम क्या करेंगे? ओए क्या है हमारे बीच? तुम्हारे बीच जो भी हो लेकिन हम सबके बीच में एक मैसेज है. अगर वो अपने सुपीरियर को पता चला तो अच्छी तरह समझ गया यार. वेरी स्मार्ट. ओ चलो चलते हैं यार. चल. सीट नहीं है यहाँ भी, सिंगल ही पागल कहीं का. यहाँ क्यों आई हो तुम? यहाँ क्यों आई हूँ? एक्चुअली उस दिन तुम्हारी बातों से मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी. उसके बाद 6 months तक सिर्फ स्टडीज 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 और कुछ सोचा ही नहीं. कॉलेज वालों ने गले में मेडल भी डाल दिया. इससे मेरे पापा ने खुश होकर कहा ये सब ध्रुवा की वजह से हुआ ना, उसे जाकर थैंक्स कहना चाहिए. तो मैं आ गई. जो सच है वो बताओ ना. रह नहीं सकी इसलिए आ गई. जिंदगी भर मेरा पीछा करती रहोगी क्या? इसे खत्म करो यहीं पे. हाँ नहीं है ध्रुवा. सारी मेडिसिन बराबर चेक किया जी. तुम्हें बहुत जल्दी है, सही मेडिसिन दी है. हाँ वो तो है. भाई 10 तोला होगा भाई. तुमने कैसे सोच लिया कि बिना पर्ची के दवाई मिल जाएगी तुम्हें? हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता. तो पता नहीं क्या हुआ. अरे अरे कौन है तुम लोग? अरे अरे उन्हें मत मारो. अरे क्या
पल्स नहीं है, he's no more. इशिका, अगले सिग्नल पे हॉस्पिटल है, वहां लेकर जाओ. चल 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 निकल जल्दी चलो. चल देख, वो लोग इसी पेपर में वेपन साथ लाए थे. हे करण, फोन पे, वो उसे चकमा देके कहीं निकल गए. मुझे दो. करण लिसन टू मी, एक चैन स्नेचर की शर्ट हुड में मैंने अपना फोन फेंक कर मारा था. अपने फोन पर फाइंड माय फ्रेंड ऐप ओपन करके मेरे फोन के लोकेशन को फॉलो करते रहो. यस, सिग्नल मिल रहा है. हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे. कॉल द एक्शन. हाँ. ए, जरा घूम. फोन यहाँ कैसे आया? अभी चैन चुरा कर जब भाग रहे थे तो सिर पे कुछ लगा था, शायद यही था. कोई इशिका कॉल कर रही है. अरे जल्दी से फोन स्विच ऑफ कर, ला इधर. ध्रुवा, लास्ट सिग्नल गोलकुंडा फोर्ट के एंट्री गेट के पास है, बिलाल बिरयानी पॉइंट. कौन सा गेट है? वेस्ट गेट. तो फिर हम लोग ईस्ट गेट के पास मिलेंगे. ओके. बॉयज, ये कॉलोनी गोलकुंडा फोर्ट वॉल से घिरी हुई है. अंदर आने की बस चार एंट्रीज हैं. बीच में 14 गलियां और 500 घर हैं. डेफिनेटली वो लोग यहीं के हैं. चारों तरफ से हम लोग हर गली में जाएंगे, वो लोग यहीं मिलेंगे. लेट्स गो. इधर थे ध्रुवा, सेम पोस्टर मिला है. आई थिंक वी आर क्लोज टू देम. स्नेचर्स यही हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं. हाँ, विजय ने काम कर दिया. हाँ नमस्ते. की जान तुम्हारे लिए इतनी मामूली है. गुड जॉब ब्रदर्स, गुड जॉब ब्रदर. दो महीने से विजयनगर की सारी चैन स्नैचिंग हमने ही की थी. आज भी ऐसा करने गए तो एक को मारना पड़ा. बोलो ऐशिका. फोन स्विच ऑफ क्यों किया? बैटरी खत्म हो गई थी. अच्छा, वो कैसी है?
अपने पति के बारे में सोचकर बहुत रो रही हैं। अभी सेडेटिव दिया है। वैसे तुम कहाँ हो? ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ध्रुवा, ध्रुवा, हेलो। भागल कहीं का। ये किसका घर है यार? कम। डोंट वरी मैन, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर है। चल। ए, रुक रुक रुक। पहले दायां पैर अंदर रख। क्यों बे? ए पंजाबी, मामा को कंफ्यूज मत कर। दायां पैर ही तो उठाया था। तू आ जा मामा। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी फिजिक और वेस्ट थिंकिंग में कोई कनेक्शन है क्या? बॉडी में थोड़ा रोमांस होना चाहिए मामा। अंदर चिकन कबाब रेडी। तेरी तो। चिल मामा, कम ऑन कम ऑन। चिल, सच में तेरे दोस्त का ही घर है ना? समझ गया। ए छोटी हाथी। ओ तो यही आ गए। कम, हेलो, मीट माय बॉयफ्रेंड। इसे कितना भी मारो ये चुप ही रहता है। जब भी मुझे गुस्सा आता है ना, ऐसे निकालती हूँ, ऐसे घुसाती हूँ। क्या देख रहे हो? अगर ये फैसिलिटी नहीं होती तो मैं अपने गुस्से की वजह से डायरेक्टली तुम्हें मार देती। यहाँ क्यों लेकर आया यार? तुम दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए। इसकी बात की रिस्पेक्ट करके मैं इतने दिन दूर रही, अब मुझसे नहीं होता इसीलिए मैं आ गई। अरे यहाँ आकर देखा, तुम सब दीवार कूद कर कहीं जा रहे हो और वो अकेले कुछ लोगों से जाकर मिल रहा है। What? अकेला कैसे? हम सब तो साथ में जाते हैं। हाँ? इतने शौक क्यों हो रहे हो? ये अकेले जाता है ये तुम्हें भी नहीं पता था? मैं सच बोल रही हूँ, चाहो तो अपने दोस्त से पूछ लो। क्यों, इश्का ने जो कहा वो सच है? क्यों बे, हमें बिना बोले अकेले ही जाता है? यहाँ साइलेंस प्लीज का बोर्ड नहीं लगा है, बात कर सकता है। hey, मेरी लाइफ में मेरी कुछ पर्सनल बातें हैं, उन्हें तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है। ध्रुवा, होम मिनिस्टर का नया फ्लैट बन रहा है, उसे नजदीक से जाकर देखो और हैंडल करो। ओके सर। ट्रूप सलामी चालू करेंगे, चालू कर। ये क्या ध्रुव? ध्रुव ये यहां कैसे? क्या हुआ, क्यों बुलाया? बुलाया तो इतने सावधानी से पूछ रहे हो? तुम्हें कुछ दिखता नहीं क्या? चार दिन पहले अपनी आंखों के सामने इसने मर्डर किया था, उसे कितनी मेहनत करके हम लोगों ने पकड़ा था। सैल्यूट करने वाले इन हाथ से मुंह छिपाना पड़ा मुझे। अरे इतना होने के बाद भी तू ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुझे हो क्या गया है? हाँ आशिका। मुझे जाना है, तुम लोग आओगे? मजाक कर रहा है, हम कल से देख रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब दिए बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ तेरा मुंह खोलने से पहले हम यहाँ से नहीं जाएंगे। राम स्वामी की वाइफ जो हॉस्पिटल में थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ये क्या है, क्यों ऐसा किया? मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार दिया। कोर्ट में मेरी गवाही नहीं चलेगी। उसने हेलमेट पहना हुआ था, कैसे पहचाना ये पूछकर पूरा केस रद्द कर दिया। पुलिस, लॉयर, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। जब कुछ हो ही नहीं सकता है तो मैं जीकर क्या करूंगी, इसीलिए मरना चाहती थी। जिस केस के सारे सबूत सही हो उसकी सुनवाई के लिए 40 साल लग जाते हैं, और वो गलत सबूतों के साथ केस को डाइवर्ट करके 4 दिन में बाहर आ गया। इतना होने के बाद भी हमने कैंपस से बाहर आके क्या किया यार? क्या यार, बोलता क्यों नहीं? तुझे कुछ पूछने उसका जवाब नहीं देगा? पूछा कि अकेला कहां जा रहा है तू, तो तेरे पास जवाब नहीं है। तेरे सामने सब कुछ हो रहा है फिर भी तू पत्थर की तरह खड़ा है, पागल तो नहीं हो गया तू? सही कहा, पागल हूं मैं। अभी जो तू बोल रहा है उसे सुने बिना
तेरे पीछे जो अन्याय हो रहा है उसे मेरी आंखें देख रही है। यही मेरा पागलपन है। वहां देखो, थोड़ी देर पहले किसी ने रेकलेसली ड्राइव करके किसी को टक्कर मारकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। पश्चाताप करके पेशेंट के इलाज के लिए वो पैसे दे रहा है, ये तुम्हें लग रहा है, लेकिन वो बचने के लिए रिश्वत दे रहा है, ये सच है। और ये मुझे दिख रहा है, यही मेरा पागलपन है। हमने जिन लोगों को पकड़वाया उनमें से एक आजाद होकर बाहर घूम रहा, ये देखकर तुम लोग इतने दुखी हो गए। अब तक हमने जिन 32 केसेस के क्रिमिनल्स को पकड़वाया वो सब आजाद बाहर घूम रहे हैं। मतलब अभी तक हमने जो कुछ भी किया वो सब वेस्ट है क्या? मैं उसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। ये है मेरी दुनिया, यहां मेरे अलावा कोई नहीं आता। अपने दुश्मन के बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। ये क्या है, ऐसा तो हम अपने दोस्तों के बारे में कहते हैं। यस, तुम्हारे दोस्त कौन है पता हो तो तुम्हारा कैरेक्टर पता चलता है, तुम्हारे दुश्मन कौन है पता हो तो तुम्हारी कैपेसिटी पता चलती है। 4 दिन पहले यही हमारा दुश्मन था जिसने राम स्वामी को मारा। वो न्याय के लिए लड़ने वाले एक समाज सेवक थे। सिर्फ एक चेन के लिए उन्हें इस तरह से मारा जा सकता, मुझे इस बात का शक हुआ, इसीलिए मैं उन्हें पकड़ने के लिए बेचैन था। वहां मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ये देखो, इरफान अली का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हम उस चेन स्नेचर को जितनी बार अंदर करवा दें उतनी बार वो बाहर आ जाएगा। अपने होम मिनिस्टर के साथ इरफान अली ने सिटी के बाहर एक जमीन पर कब्जा करके बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन प्लान किया है। वो जमीन गरीबों को वापस दिलवाने के लिए लड़ने वाला इंसान रामस्वामी थे, इसीलिए उन्हें मार डाला। किसी को शक न हो इसलिए चेन स्नैचिंग प्लान करके पुलिस को भी इस पर भरोसा दिलाकर केस को क्लोज कर दिया। अब बताओ तुम, हमारा दुश्मन ये है या वो? अब तक हमने पकड़वाए 32 केसेस के साथ, अपने शक के बिना पर मैंने इन्वेस्टिगेट किए 500 केसेस से जुड़े हैं ये फुल डिटेल्ड एनालिसिस। इनमें मौजूद हर क्राइम के पीछे चेन स्नैचिंग, बच्चों के किडनैपिंग, ऐसे बहुत से मैनिपुलेटेड प्लान छुपे हुए हैं। तुम लोगों को याद है कुछ दिन पहले किडनैप केस में बच्चों को बचाया था, वो भी पैसों के लिए नहीं हुआ था। पिछले महीने एक हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर शॉर्ट सर्किट की वजह से 18 बच्चों की मौत की खबर तुम लोगों ने सुनी होगी। उनकी मौत उसकी वजह से नहीं हुई थी। सारे बच्चे बाई बर्थ ही शुगर की बीमारी के साथ पैदा हुए थे। मैं रोज जो पोलियो ड्रॉप्स देती हूँ उसी तरह ही उस दिन भी बच्चों को मैंने वही ड्रॉप्स दिए, लेकिन देते ही 10 मिनट में सब बच्चे मर गए। घबराकर जब मैनेजमेंट को ये बात बताने गई तो उन्होंने मुझे धमका दिया, अगर ये बात बाहर आई तो हॉस्पिटल का नाम खराब होगा, इसलिए मेरा मुंह बंद करवाया था। उन्होंने नर्स को पोलियो ड्रॉप्स नहीं दी थी, एक मेडिसिन दी थी जिसकी टेस्टिंग भी नहीं हुई थी। सिर्फ उसकी वजह से 18 मासूम बच्चों की जानें चली गईं। अगर यह सच बाहर आ जाता तो इंडिया में बाकी फार्मा कंपनीज के किए गुनाहों का सच बाहर आ जाता, इसलिए इसे शॉर्ट सर्किट में मैनिपुलेट किया गया। इसे ईमानदारी से रिपोर्ट करने आए डॉक्टर रमाकांत जी का मुंह बंद करने के लिए उनकी बेटी को किडनैप किया। सिर्फ उनकी बेटी को किडनैप करने से शक हो सकता था, इसलिए साथ में 3 और बच्चियों को किडनैप किया। इस सारी मेडिकल माफिया को चलाने वाला धीरज चंद्रा है। ऐसे हर एक छोटे इमोशनल क्राइम के पीछे एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है। तुम्हें लगता है हर एक क्राइम के पीछे एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा? ये बात कैसे कह सकते हो? ठीक वैसे ही, वो लोग हर बड़े क्राइम के पीछे कोई छोटा कारण दिखाकर हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। ऐसे अपराध और जुर्मों पर रिसर्च मैंने आज नहीं शुरू की, जब मैं 15 साल का था तब से कर रहा हूं। सभी खबरों की लाइंस पढ़ते हैं, जो लिखा है उसे सच मानते हैं, बट आई स्टार्टेड रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। एक दिन जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो समझ में आया कि दूसरे पेज और छठे पेज में कुछ तो लिंक है। दूसरे पेज में लॉरी स्ट्राइकर का अनाउंसमेंट आता है और छठे पेज पर एक्सीडेंट बढ़ने की खबर आती है। एक पेज पर कोई पार्टी को फंड देता है तो दूसरे पेज पर उसके करीबी इंसान का जेल से रिलीज होने की खबर। एक पेज पर सोने के दाम बढ़ने की खबर होती है तो दूसरे पेज में अक्षय तृतीया के 2 दिन एक्सटेंड होने की खबर आती है। एक पेज पर फॉरेन कॉफी ब्रांड इंडिया में लॉन्च हो रही होती है तो दूसरे पेज पर हार्ट के लिए कॉफी अच्छी होती है, ऐसी खबर होती है। एक्चुअली हम बिजनेस न्यूज पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सिर्फ वही बिजनेस पेज ही पेपर में बाकी खबरों को डिसाइड करती है। कुछ व्यापारी जो अपने फायदे के लिए खबरें छपवाते हैं, हम उसे ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। हमें कौन सा पानी पीना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या पढ़ाई करनी है, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन डिसाइड करता है। जनता की किस्मत लिखने वाला एक राजनीतिक नेता हो सकता है, लेकिन उस राजनीतिक नेता की किस्मत लिखने वाला होता है एक बिजनेसमैन। ये जो सारे 500 क्राइम्स हुए हैं वो सिर्फ व्यापार को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए, और इन सब के पीछे सिर्फ 15 लोग हैं।
ऐसे क्राइम्स में जो 500 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उन्हें पकड़ने के लिए 5000 पुलिस वाले हैं, लेकिन इन 15 को पकड़ने के लिए कोई भी नहीं। मेरा एक इंपॉर्टेंट गोल है, इन 15 क्रिमिनल्स में से जो सबसे ज्यादा क्राइम कर रहा है उसे पकड़ना। अगर वो हाथ लग गया तो सैकड़ों क्रिमिनल्स खत्म हो जाएंगे। हाथ उसी क्रिमिनल पे डालना है और उसे ही मैं अपना दुश्मन बना लूंगा। अगले 10 दिन बाद हमारी पोस्टिंग होगी, उससे पहले मुझे अपने दुश्मन को डिसाइड करना है। बट दुश्मनों को सेलेक्ट कैसे करें? यही हैं वो 15 लोग। इन सब ने जुर्म को सफाई से करके आसानी से बचने के रास्ते बना रखे हैं, और इनमें से मेन हैं ये तीनों। 80% क्राइम्स की वजह यही तीनों हैं। धीरज चंद्रा फार्मा मेडिकल क्राइम्स में इसी के मोनोपोली है। स्टेट में कौन सा डॉक्टर कौन सी मेडिसिन लिखेगा यही डिसाइड करता है। जयंत सूरी इल्लीगल खुदाई करके नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो लाखों करोड़ों गवर्नमेंट को मिलने चाहिए उन्हें यह खुद खा रहा है। इरफान अली ये सिटी में क्रिमिनल्स को सप्लाई करता है। इसके अलावा जमीन कब्जा मर्डर लूटपाट ये सारे इसके अंडर में ही आते हैं। इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा क्राइम रेट पर है उसका पता लगाकर उसका अंत हो सकता है, मैं ये प्रूव कर दूंगा। सुपर सुपर ऑसम। उस बारे में सारी डिटेल्स पता लगाने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा। क्या बात है, तीनों लोग एक साथ हैं? अरे एक इंसान दूसरे इंसान के पैर छू रहा है, अब तो बदलो चलो। सर ने तो अभी मिलने के लिए टाइम दिया है। हाँ सर से मिले हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए। क्या यार ग्रेनाइट, वो मेरा बेटा है, उससे मिलने के लिए मुझे 2 महीने लग गए, फिर भी मंत्री के तौर पर मैं सर नमस्ते। हेलो सर। राजा पापा एक मिनट, प्रीति वेट करिए। हाँ हाँ हेलो। हेलो प्रीति। हे डार्लिंग। पापा और कुछ लोग आए, लेट हो जाएगा शायद, तुम डिनर कर लेना। ओह नो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। ठीक है फोन अंकल को दीजिए। बोलो बेटी प्रीति। क्या अंकल डिनर टाइम पे भी क्या मीटिंग, घर ही आ जाते ना। ठीक है बेटा, मीटिंग से खाना इम्पोर्टेंट है ना, भेज रहा हूँ। राजा स्वीट हार्ट मैंने ही बुलाया, छोटी सी मीटिंग है, आई जॉइन यू लेटर। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। बाय, लव यू। बच्ची ने तो सही कहा ना राजा, तुम्हारी सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक है पापा। हाँ राजा, अपने लोग सब तुम्हारे साथ है। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, आप लोग आपस में बात कर लो, है ना राजा? थैंक यू राजा। दो महीनों से लैब में ही थे। देयर इज अ रीजन फॉर दैट।
आप तक पहुंचे बिना ही सारे काम खत्म करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके। एंजेलिना किसी भी हाल में इंडिया आना चाहती है। बहुत समझाने पर भी कन्विंस नहीं हो रही। वो मैं देख लूंगा सर। वो रामास्वामी का मैटर काशी पुलिस के हाथ लग गया है, प्रॉब्लम हो गई सर। वही मामला लैब में क्लियर करके आ रहा हूं। थर्ड अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार रहना। एटलीस्ट तब तक तुम लोग कोई नई परेशानियां खड़ी मत होने देना। धीरज कम विद मी। एंजेलिना का मैटर बहुत सावधानी से डील करना होगा, वो मैं बताऊंगा कैसे। ओके सर। हेलो हेलो। कुछ नहीं हुआ। हाउ आर यू? बच्चा तो ठीक ही है। ये हमारा लकी किड है। 18 बच्चों पर इस्तेमाल करने के बाद सबको पीछे छोड़कर ये अकेला बचा है। इस बच्चे को तुम जहां से उठाकर लाए हो वहीं ले जाकर रख दो। इसके पेरेंट्स को कोई भी रीजन बता देना। एवरी मंथ रिव्यू करो, हमारा फॉर्मूला सक्सेस हुआ या नहीं तभी मालूम पड़ेगा। Bye. I'll miss you. I'll miss you. सर ने क्या कहा? अक्टूबर 3rd प्लान के हिसाब से चलने को कहा है। प्लान के पूरा होने तक सावधान रहने को कहा है। हाय, हेलो डॉक्टर। पद्मश्री सिद्धार्थ अभिमन्यु, मैन ऑफ केमिकल मेनिया। वी ऑनर पद्मश्री सिद्धार्थ अभिमन्यु। सिद्धार्थ अभिमन्यु को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वी ऑनर पद्मश्री सिद्धार्थ अभिमन्यु। इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया हमें? मैंने अपना दुश्मन सिलेक्ट कर लिया। सिद्धार्थ अभिमन्यु? क्या सांटी सिद्धार्थ? तीनों में से एक को फिक्स करने गया था, लेकिन इन तीनों को इशारों पर नचाने वाला चौथा मिल गया। बाहरी दुनिया के लिए ही इज अ साइंस जीनियस, लेकिन सच में वो एक हार्डकोर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है। बेसिकली इन तीनों को अपने साथ मिलाकर पूरे क्राइम वर्ल्ड पर रूल कर रहा है। परसों जिस फंक्शन में सिद्धार्थ चीफ गेस्ट था वहां CM बिना बुलाए सीधे चले आए थे। उन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन तो था। हमने जिसे चैन स्नेची में पकड़वाया था उसे कोई प्रॉब्लम न हो इसलिए उसे मार दिया। पहले उसके छाती पर जात का नाम गोदा, फिर उसे मारा और उसकी लाश को विजयवाड़ा में फेंक कर जाति के नाम पर दंगे करवा दिए। उसी एरिया में उसके इलीगल साइट से वहां पर इंस्पेक्शन भी रुकवा दिया और इस तरह एक लाश को भी उसने बड़े चालाकी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। As a young scientist, we find new things every day, but that doesn't make a news. You know what makes a news? हमारी टीम ने आज कोलाबा में बिना सर के एक इंसान को खोजा है। उसके बाद सर को खोजेंगे। खुद ही दंगे करवाकर, खुद उस पर सटायर मारकर स्टेज पर अपनी वाहवाही लूट रहा था। 3rd October उसका इंपॉर्टेंट दिन है और मैं उसकी जिंदगी का इसे यादगार दिन बना दूंगा। वो आपके लिए सिद्धार्थ अभिमन्यु है सर। उसका असली नाम एंकना है। जेल के बाहर आया तब वो छोटा बच्चा था सर। उसके बाप ने उसे 4 गुंडे के साथ भेजकर कहा कि पक्का गुंडा बनकर आना। तब उस बच्चे को गुस्सा आ गया और उसने अपने बाप को गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें MLA बनाया है, मैं गुंडागिरी नहीं करूंगा, मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसे हटवा दो। ध्रुवा, तुम सिद्धार्थ के अलावा कुछ और नहीं सोचते क्या? कल स्वेयरिंग सेरेमनी है, परसों पोस्टिंग। अगर तुम लाइफ में दोबारा सिद्धार्थ से नहीं मिल पाए तब क्या करोगे? हम दोनों जरूर मिलेंगे यार। जहां ज्यादा पैसा होता है क्राइम्स भी वहीं होते हैं। सिद्धार्थ पैसों की तलाश में रहता है और मैं क्राइम्स की तलाश में रहता हूं। ये इक्वेशन हम दोनों को जरूर मिलाएगा। यू आर राइट। आर यू रेडी टू शेक हैंड विद द एनिमी? व्हाट? कल हमारी स्वेयरिंग सेरेमनी का चीफ गेस्ट सिद्धार्थ ही है। सिद्धार्थ अभिमन्यु। Parade dismissed!
We welcome our chief guest Padma Shri Siddharth Abhimanyu, a great scholar and renowned scientist. His innovative contribution to pharmaceuticals is exemplary. I request our chief guest to give a message. जिस criminal को इसने select किया है, वही इसका chief guest है. इसी को कहते हैं luck. Honorable Minister, respected members on the dais and the audience, ladies and gentlemen, and of course, the future of the police groups. मैं जहां जाता हूं, लोग मुझसे यही पूछते हैं कि मेरे सक्सेस का कारण क्या है. इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल. जिंदगी में एक ही सिद्धांत बनाइए और उस पर चलिए. उसी सिद्धांत को जिंदगी बना लीजिए. थिंक अबाउट इट. ऑल द वेरी बेस्ट. जय हिंद. Now I request all the medal winners to come forward. Ranjit IPS for specialization in cyber service. Next, Dhruva IPS. He will receive an award from our Honorable Home Minister, Mr. Niranjan Reddy. Dhruva has received this award as specialized in managing activities involving organized crimes, such as political crimes and financial crimes. All the best. Dhruva has one more honor to receive, a special award for his overall best performance of the batch, which will be presented by our Honorable Chief Guest, Padma Shri Siddharth Abhimanyu. Now I kindly request our Honorable Chief Guest to come forward and present this award to Dhruva. He is the best topper for overall action gaming and weapon firing. Congratulations. Thank you, sir. Beretta, beautiful pistol. I'm glad, sir. Welcome. Pistol milne ki wajah se nahi. आपके हाथों मिली इसलिए सर. ऑल द वेरी बेस्ट. एक आइडिया को ही जिंदगी बनाने के लिए कहा. मेरा भी एक आइडिया है सर, और आप ही मेरे आइडिया हो, और मैं आपको ही फॉलो करूंगा. गुड लक. थैंक यू सर. ऑर्गेनाइज क्राइम डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर्स आप ही हैं, इसीलिए आप लोगों को सिलेक्ट किया है. सभी ड्यूटी पर आने के बाद क्रिमिनल्स को ढूंढते हैं, और मैंने क्रिमिनल्स को ढूंढने के बाद ड्यूटी ज्वाइन की. इस वक्त एक दूसरे से पहचान करने का समय नहीं है. यू जस्ट हैव टू बिलीव मी, बिकॉज आई बिलीव इन यू गाइस. श्योर सर. October 3rd, उस दिन हमारी सिटी में एक बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है. उसे डिकोड करना हमारा पहला टारगेट है. ये तीनों अपने सिटी के बड़े लोग हैं, बट अ बिग थ्रेट टू आवर सोसाइटी. इन पर 24 घंटे नजर रखनी है. इनके खिलाफ जितने भी एविडेंस मिलते हैं, उन सभी एविडेंस को कलेक्ट कीजिए. श्योर. सच में मुझे कुछ नहीं पता सर. वो बात तो सही है सर. उन तीनों का हवाला के जरिए 600 करोड़ रुपए स्विस जा रहा है. वो तीनों मॉरिसस भी जा रहे हैं. इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं. October 3 के दिन तीनों ने अपने अकाउंट से 750 करोड़ हमारे मॉरिशस के ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए कहा है. आप प्रेशर डाल रहे हैं, इसीलिए बता रही हूँ. थैंक यू. 3rd October की लिस्ट सर. उस दिन मुहर्रम और देवी के नवरात्रे दोनों है सर. उसी दिन सीएम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं. उस कंपनी का नाम थर्ड अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत समझाने पर भी एंजेलिना किसी भी हाल में इंडिया आना चाहती है. October 3rd को इस लड़की को मारने वाले हैं, जिसका नाम है एंजेलिना, जो स्विस की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ है, 60% शेयर होल्डर. जेनरिक मेडिसिन की डील साइन करने के लिए इंडिया की फ्लाइट में बैठ चुकी है. 3rd October को होने वाली मीटिंग सभी का जीवन बदल देगी. आपने जो मांगी वो डिटेल्स है सर. उस दिन एंजेलिना आकर एक साइन करेगी तो इंडिया में जेनरिक मेडिसिन आएगा सर. तब कोई भी फार्मा कंपनी वाले कुछ कर नहीं पाएंगे सर. अगर वो हो जाएगा तो 2,50,000 की दवा मात्र 8,000 रुपए में मिलेगी, और 500 रुपए में मिलने वाली दवा मात्र 200 रुपए में मिलेगी. ये तो होना ही चाहिए सर. इसे यहाँ की मेडिकल माफिया होने नहीं देगी. इसे रोकने के लिए सिद्धार्थ स्विस में लैंड कर चुका है. Hi.
1350 करोड़ स्विस में ट्रांसफर क्यों कर रहा है वो? I can't believe this. इंडिया में सिर्फ पेटेंट राइट्स का इस्तेमाल करके KE27 नाम की कैंसर मेडिसिन को ज्यादा फायदे में बेचते देखा है। इतने पैसे ना होने की वजह से यहाँ लोग मर रहे हैं, ये देख के दुख होता है। पेटेंट राइट्स को ब्रेक करके वो मेडिसिन कम रेट में गरीबों को पहुँचाना चाहती हूँ। दिस इज माई ड्रीम। क्या आप इसे जानती हैं? सिद्धार्थ मेरी कंपनी का इंडियन मेडिकल एडवाइजर। आपकी कंपनी का एडवाइजर? जब सिद्धार्थ आपका एडवाइजर है तो आपकी कंपनी में इसके शेयर्स क्यों नहीं है? नो नॉट एट ऑल। मेरी कंपनी के 60% शेयर्स बेचने के लिए 2-3 बार फोर्स किया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया। That's it. यानी कि 1350 करोड़ स्विस में ट्रांसफर आपके 60% शेयर्स खरीदने के लिए कर रहा है। दिस स्टेज इज सेट ब्यूटीफुली। यहां आपको मारकर वहां मार्कस के साथ मिलकर आपके शेयर्स खरीदकर सिद्धार्थ कंपनी का डिसाइडिंग अथॉरिटी बनकर और जेनरिक मेडिसिन को इंडिया में आने से रोकना, इन सभी को उसने एक साथ प्लान किया है। डोंट वरी, योर सेफ्टी इज माय रिस्पांसिबिलिटी। थैंक यू। कल हमारे लिए दो टास्क हैं। पहला, उन 1350 करोड़ को स्विस अकाउंट में ट्रांसफर होने से रोकना, और उसे रोकने के लिए इन तीनों को एक साथ अरेस्ट करना होगा। और दूसरा, एंजेलिना की मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जेनरिक मेडिसिन इंडिया में आना ही चाहिए ताकि हर गरीब को इसका फायदा मिल सके। एस सिद्धार्थ अभिमन्यु पहली बार वो मात खाने जा रहा है, और वो इसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बॉयज, सब प्लान के मुताबिक ही मूव करना, ओके? ओके सर। ध्रुवा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे ठीक पीछे। जेसी, वेयर आर यू? आपकी गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ सर। ओके, थैंक यू फॉर द वार्म अप एंड द अपॉर्चुनिटी। गुड फॉर आवर शेयर्स एंड बिजनेस एज वेल एज योर्स। सर, इरफान हमारे सामने कार रोककर खड़ा है, बट नथिंग सस्पिशियस सर। बिना रीजन के वो वहां नहीं रुकेगा। कीप अ वॉच। Guys, be alert. Yeah, okay, sir. Sir, आपके सामने दुर्गा माता की झांकी आ रही है सर। What? उसका ये रास्ता तो नहीं था। यहां जरूर दंगा होने वाला है। दंगे के बीच टारगेट को मारना उसका प्लान है। कार से कोई नहीं उतरेगा। ओके सर।
इशिका, इशिका, इशिका। क्या हुआ? अगर तुम्हारी गोली एक एंड से चूक जाती तो मैं डायरेक्टली ऊपर चली जाती, यही चाहते थे? ये मजाक का समय है क्या? पता है कितना घबरा गया था। चलो अच्छा है, इतना कंसर्न। तो है ए, कौन है तुम लोग? एंजेलिना इज फाइन सर, उसी होटल में रखा है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। गुड। कॉल फ्रॉम इंडिया? व्हाट द हेल हैपेंड आउट देयर? वेट वेट वेट, हैव यू बीन ट्राइंग टू किल मी? आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। वंस आई पुट स्टेप ऑन स्विस सॉइल, यू आर फिनिश्ड। प्लीज वेट एंजेलिना। It's 10 o'clock now. You said she will have been dead by 9:30. My career is finished. I'm done. Marcus, look, I'll take care of this. Just give me 5 minutes. Just 5 minutes. कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? कानून अपना काम कर रहा है राजा, तीनों को अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट कर लिया? ये बात तुम मुझे बिना पूछे नहीं बता सकते थे? पैसे के बगैर ये डील मैं कैसे पूरी करूंगा बताओ? पैसों के लिए परेशान हो रहे हो? कितने रुपए चाहिए बोलो राजा, ट्रांसफर करवा देता हूँ। पहले जाकर उन्हें बाहर निकालो। अब्बास, बोलिए सर। तुम्हारे भाई इरफान को जो काम दिया था वो पूरा नहीं हुआ। मैं फिनिश कर दूंगा। आगे जाकर राइट लो, तुम यहां मत रहो, थाने चले जाओ। ओके सर। जब मैं फोन करूंगा तब आना। अच्छा हूँ सिद्धार्थ जी। मुझे अर्जेंटली 1,350 करोड़ चाहिए। 13,500 करोड़? तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने उधार दिया ऐसा? आपके लिप्टिनस्टन अकाउंट से मेरे जिनीवा अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। Why the hell should I pay you? बैंक डिटेल्स आपको मेल कर दिया है। मैं कौन हूँ पता है? मेल के साथ एक अटैचमेंट भी भेजा है। अटैचमेंट? उसे देख कर फैसला कीजिए। इंडिया। ओके ओके, मैं भेजता हूं। बीस मिनट में मीटिंग शुरू होगी। एंजेलिना को लेकर आने के लिए बोला गया है। मैडम भी रेडी हैं। मैं लेकर आ जाऊंगा। ओके सर। रविंदर, अर्जेंट है कहकर उन्होंने मेरे मोबाइल से स्विस कॉल किया था। क्यों करने दिया? ट्रेस होने के चांसेस है ना। सॉरी सर। कम इन। हेलो मैम। आई कैन बिलीव व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी। You shouldn't have made that call. They can definitely trace you. I know, but what am I supposed to do? क्या हुआ? सर, ये फाइल गाड़ी में छूट गई थी सर। ओके। एंजेलिना और ध्रुवा फिनिश्ड। गुड जॉब। या बस,
better be some good news. Angelina is closed, sir. बीच में आए से पिद्रो को भी मार डाला. Excellent. कल मेरे इंडिया आने तक इसमें शामिल सभी लोग मर जाने चाहिए. कोई नहीं सर, उन तीनों को अरेस्ट करने वाला, एंजेलिना को सेव करने वाला एक ही है. अकेला? कम दाम में दवाइयां लोगों तक पहुंचाने के अच्छे उद्देश्य के साथ जेनेरिक मेडिसिन को इंडिया में लाने के लिए अपनी शर्त पर दस्तखत करने यहां आई मिस एंजेलिना जी की हत्या की गई है. इसका मुझे बहुत दुख है. इस हत्या की तहकीकात पुलिस कर रही है. अभी के लिए ये जेनेरिक मेडिसिन का समझौता अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. जो भी करना ध्यान से करना. सिद्धार्थ से सावधान रहना. सावधान रहने की जरूरत मुझे नहीं, उसे है. भले ही बुलेट मुझे लगी है लेकिन चोट उसे पहुंची है. 20 सालों से जो अंधेरे में था उसे 2 दिन में बाहर ले आया. सावधान तो अब उसे रहना होगा. तू बेफिक्री रहेगा लेकिन तेरे लिए कोई अंदर आए बिना बाहर परेशानी खड़ा है. परेशान किस लिए? मैं तो ठीक हूं. बुद्धू कहीं का, पता नहीं ये कब समझेगा. चाबियां मुझे देकर जी. ड्राइवर को क्यों भेज दिया? जो दारी बोला था उससे पहले ही आ गया. पता नहीं क्या हो रहा है. ए, राजा, धीरे चंद्र को और जयंत सूरी को रिलीज करवा दिया है. उन पर से LLR भी हटवा दिया है. FIR. जो भी आर हो राजा, ऐसे क्यों देख रहे हो राजा? जो तुमने कहा था वो मैंने किया ना. दोपहर में लंच किया था. किया था राजा. मैंने कहा था करने को. सॉरी राजा. क्या सॉरी? पूछ के करने को कहा तो हर चीज पूछ पूछ के ही करोगे. नाराज मत हो राजा, तुमसे पूछे बिना मैं खुद फैसले लेकर गलती करने के बजाय तुमसे पूछ कर गलती करने में एक अलग ही खुशी मिलती है राजा. तुमने बचपन से तो ये चाबी भरी हुई है ना. पहला, कहीं बाहर जाते समय सर उठाकर छाती चौड़ी करके जाना चाहिए. दूसरा, हंसना जरूरी होने पर भी किसी भी हालात में ज्यादा हंसना नहीं चाहिए. तीसरा, तुम्हारे बताने तक मेरा मुंह खुलना नहीं चाहिए, तब जाकर ये दुनिया मुझे बुद्धिमान समझेगी. अब तक तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ. सडनली बदलने के लिए ये कोई गमछा थोड़ी ना राजा, करेक्टर है ना. आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या? है क्या? नहीं है? तुमने मुझे जो लिस्ट बोली थी उसमें नहीं है तो मैं लिख लूं क्या? पापा, इवन अ स्पैरो हैज अ बिगर ब्रेन देन यू. स्पैरो. गमछा पहन लो. ये क्या है सर? पोस्टिंग लेकर एक हफ्ता भी नहीं हुआ, हमको ही अंदर कर दिया. सोचो तो लगता है वो तो आपके पिताजी के दिमाग की वजह से बाहर आ गए. आपने मना किया इसलिए रुक गए, वरना मैं उसे तो हॉस्पिटल में ही मार देता हूँ. उसने तुम्हें क्यों अरेस्ट किया पता है? नहीं पता सर. जानते हो मैं स्विट्जरलैंड क्यों गया? नहीं सर. वो जानता है. तुम तीनों मेरे लिए काम करते हो, तुम्हारा भाई अब्बास जानता है? नहीं सर. लेकिन वो जानता है. पहली बार मुझे किसी ने अंधेरे से बाहर निकाला है. एक छोटा सा फॉर्मूला पता लगाने के लिए सारी उम्र लग जाती है. ऐसे में सिद्धार्थ अभिमन्यु के फॉर्मूले का उसने पता लगा लिया है. ऐसे इंसान को हॉस्पिटल में मारोगे? तू यहाँ क्या कर रहा है? इसे मैंने बुलाया है. उसका नाम ध्रुवा है, उसके माँ बाप नहीं है, अकेला है. पुलिस उसका पैशन है. जैसे आपका रिसर्च लैब है वैसे उसका भी एक लैब है. और आप ही मेरे आइडिया हो और मैं आपको ही फॉलो करूंगा. गुड लक. थैंक यू सर.
तक बहुत लोगों ने मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। उन सबको बिना कोई लिहाज किए मैंने अपने पैरों तले कुचल दिया है। लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे ख़त्म करने के लिए मेरी पूरी लाइफ की स्टडी की है। मेरे माँ बाप कौन हैं, कहाँ बड़ा हुआ, कौन सी पढ़ाई की, मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर प्लान्स सब कुछ एनालाइज किया। अपने दुश्मन के बारे में बताओ। कमल, किसी भी हाल में ध्रुवा सर को जाके दे दीजिए, किसी भी तरह दे दीजिए सर। तुम्हें कुछ नहीं सर। मार दूंगा। दे वो एसडी कार्ड, दे कहता हूँ छोड़ दे उसे, एसडी कार्ड दे दे, नहीं तो उसे मार दूंगा। कुछ मत करो उसे, उसे छोड़ दे, मैं दे दूंगा सर। अक्षर भी आदमी को आइसली सर, प्लीज सर, मत दीजिए सर, प्लीज सर मत दीजिए। कमल कमल सब बस। सर वो पुलिस वाला भाग गया, वो एसटी कार्ड उसी के पास है, लेकिन कैसे भी करके मैं उसे पकड़ लूंगा। डैम इट ध्रुवा। हे क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? या होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन अब्बास। सॉरी यार, मैं कमल को नहीं बचा सका, वहां बहुत कुछ हो गया यार। एसटी कार्ड मेरे हाथ में देके वो मर गया, तू कहां मिलेगा? तुम गच्ची बोली की तरफ आओ, मैं वहीं आकर के एसटी कार्ड ले लूंगा। ओके अब्बास, गच्ची बोली की तरफ आओ, मैं कॉल करूंगा। ना मिलकर एक किलोमीटर आगे मिलता तो वहां केमिकल फैक्ट्री में तुझे मारकर केमिकल में मिला देता। कुछ महीनों में यह नई फैक्ट्री ओपन करने वाला हूं और उसका मुहूर्त तेरी मौत से होगा। मैंने जो क्राइम किए हैं उनमें से यह 0.0001% है बस। पिछले 20 सालों में मैंने बिजनेस पे जितना फोकस नहीं किया, क्राइम करने के बाद उसके निशान मिटाने पर ज्यादा फोकस किया है। मेरे छोड़े हुए किस अणु से निकल कर आया है वो ध्रुवा। तेरे
छोड़े हुए अड़वों से नहीं, तेरे नेटवर्क का नामो निशान मिटाने के लिए पैदा हुआ है ध्रुआ। अरे ज्यादा सपने मत देख, उसका फ्यूचर तुम्हें मैं बताता हूँ। सुन, उसके आसपास के लोगों को दूर करके उसके इमोशन पर वार करूंगा और उसे पागल बनाकर खत्म कर दूंगा। चांस ही नहीं है, ध्रुआ को तुझे खत्म करने के अलावा कोई इमोशन नहीं है। अबे मैं बोल रहा हूँ, तेरा बुरा टाइम आ गया है, तेरा बुरा टाइम आ गया है, लिख के ले ले तू। टाइम, टाइम आ गया है तेरा टाइम, अब तू खत्म। तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। सर पूरी बाइक छान मार ली, एसडी कार्ड कहीं नहीं मिला। एसडी कार्ड कहाँ छुपाया है, कहाँ छुपाया है एसडी कार्ड, कहाँ है बोल। अब्बास, बोल। अब्बास, इससे कोई फायदा नहीं है, अब हम इसी के मोबाइल से मैसेज भेजकर इसके सर को बुलाते हैं। गौतम, 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 आना, आना, आ, 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 छोड़ क्या? क्या? गौतम! Oh!
ड्रग्स के नशे में अर्धनग्न हालत में घूमते हुए सड़क दुर्घटना में आईपीएस ऑफिसर की मौत। उसकी मौत से ज्यादा ये पढ़कर दुख हो रहा है। वैसे इंसान की ऐसी मौत, तुम्हारे बारे में बता दूंगा। सारी चीजों के साथ ये चीज भी कलेक्ट की है पापा। बापरे, क्या डेयरिंग दिखाई है ना। शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। शायद राजा बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। उसका नाम बताओ। उस एरिया काउंसलर को उसके घर भेज के करंट कनेक्शन, वाटर कनेक्शन कट करवा दूंगा। राजा, उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड भी रद्द करवा दूंगा। उसका पासपोर्ट कैंसिल करवा के दिल्ली जाने पे भी रोक लगा दूंगा। दिमाग बेटा, दिमाग। इम्प्रेसिव। उसकी कैपेसिटी पता लगाऊंगा। क्या एक और सर्जरी करना जरूरी है डॉक्टर? बिल्कुल है। सॉरी मिस्टर ध्रुवा, देयर हैज बीन अ स्मॉल कॉम्प्लिकेशन। आपका ऑपरेशन हुआ था, वहाँ ब्लड क्लॉट हो गया है। सर्जरी करके उस क्लॉट को हटाना होगा। डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज होना है, मुझे बहुत काम है। रिलैक्स मिस्टर ध्रुवा, इट्स अ वेरी स्मॉल सर्जरी। कल सुबह ही डिस्चार्ज कर देंगे, लेट करने से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। प्लीज। ओके डॉक्टर। क्या हुआ? सिद्धार्थ। What? क्या बोल रहे हो? सिद्धार्थ आया था। ध्रुवा, ध्रुवा, ध्रुवा क्या हुआ बताओगे? यहाँ कोई नहीं, नहीं आया। तू चल ना। ध्रुवा कोई नहीं है यहाँ। यही है। ध्रुवा तुम अंदर चलो, तुम्हें चोट लगी है। सर, सर क्या कर रहे हैं सर? सेडेटिव दिया है ना सर? आप अंदर आइए प्लीज। नशे में ये सब बोल रहे हो? प्लीज मुझे पता है सिद्धार्थ आया था यार। तुम चल ना। चलो अंदर चलो। कोई नहीं आया। कोई नहीं है, तुम नशे में कुछ भी बोल रहे हो। अब तुम आराम करो। सोच रहे हो, नशे में कुछ भी बोल रहे हो। नशे में नहीं, ट्रस्ट मी, वो आया था। कोई नहीं आया था यार। मैं सच कह रहा हूँ, वो आया था और उसने मुझे देखा। डॉक्टर राम वर्मा, ये एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है। अगर आप इसे उसके बॉडी में इम्प्लांट कर दें तो मैं 24 घंटे उसे मॉनिटर कर सकता हूँ। लाइव ऑडियो भी सैटेलाइट के जरिए सुन सकता हूँ। इससे वो कहाँ है, किससे मिल रहा है, क्या प्लान कर रहा है, क्या बात कर रहा है, मुझे क्लियरली पता चल जाएगा। तूने कहा था वो इंडिया में नहीं है। अगर वो यहाँ आया होता ना तो तुझे मारे बिना नहीं जाता। उसके बारे में सब जानने के बाद भी मैंने एक वजह से उसे जिंदा छोड़ रखा है, तो मुझे भी ना मारने के पीछे उसके पास कोई तो वजह रही होगी। किशिका, मेरी कार आ रही है। ये भी कार ही है, इसके भी व्हील्स हैं, स्टीयरिंग भी है। चलो। गौतम जरूरी काम से शमशाबाद गया है, तुम्हें बताने को कहा था। हाँ, मैंने भी उसका मैसेज देखा। By the way, thanks for everything. बोलो बोलो, जितना thanks बोलना है बोलो। Lovers के बीच no thanks, no sorry. Hey darling. Hi. वैसे हम lovers नहीं है ना? 2 minutes. क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि next dose लेने तक ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं घर जाकर अभी आती हूँ। Yeah, शिका, it's okay. तुम्हें आने की जरूरत नहीं। उसे क्यों निकाल रहे हो? मुझे काम है, मुझे जाना है। दिमाग खराब है? अभी आए और अभी जाने की बात कर रहे हो? इशिका, बहुत जरूरी काम है, तुम जाओ। हमेशा अपनी मर्जी चलाओगे? क्या है, क्या है इतना इम्पोर्टेंट? जब मैं हॉस्पिटल में था तो सिद्धार्थ के बारे में एक कॉल आया था। एक लड़की जो लापता है उसके जरिए मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी सोचा था। बाद में पता चला कि वो लड़की लापता नहीं है, उसका रेप करके मार दिया गया था। कौन है वो लड़की? साइंटिस्ट अक्षरा।
पता था उस रेप के पीछे कोई ना कोई जरूर मोटिव होगा, इसीलिए उस लड़की के बॉयफ्रेंड को बुलाकर इंक्वायरी की। उसका नाम है कमल। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चार लोगों ने बेरहमी से रेप करके मार दिया, और फिर भी तुम्हें कुछ पता नहीं? सर, सच में मुझे कुछ नहीं पता सर। जब मैं हॉस्पिटल में था, मुझे उसका कॉल आया। सॉरी सर, उस दिन आपसे झूठ कहा था। समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करूं। अब आप पर भरोसा है सर। सर, अक्षरा मेरी जान है। वो सिद्धार्थ की मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट का काम करती थी। उस लड़की का बेरहमी से रेप करके मार दिया सर। सर, उसने मुझे एक एसडी कार्ड भेजा था सर। उसमें उसने सिद्धार्थ के बहुत से अपराधों के बारे में बताया है। मैं आपको वो एसडी कार्ड दे दूंगा, आप उसे सजा दिलवाइए सर। जब तक मैं तुमसे दोबारा ना मिलूं, इस बारे में किसी से बात मत करना। अब उस कमल से मिलने के लिए उसके कॉलेज गेट तक जा रहा हूं। अब अगर वो एसडी कार्ड मेरे हाथ लग गया तो सिद्धार्थ का खेल समझो खत्म। दुनिया आपको एक अच्छा इंसान समझती है सर। सर प्लीज सर, अगर ऐसी मेडिसिन की खोज हमारे देश ने की तो दुनिया के सारे मेडिकल इंडस्ट्रीज अपने देश के गुलाम बन जाएंगे सर। तुम सारी दुनिया को इंडिया का गुलाम बनाना चाहती हो, और मैं इंडिया को गुलाम बनाना चाहता हूँ। बस सिंपल। ऐसा करना आपको गलत नहीं लगता? ख्वाहिश जगा कर देखो, कुछ भी गलत नहीं लगता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी सर। मैं आपके बारे में सबको बता दूंगी। आप जेनरिक मेडिसिन को रोकने के लिए स्विस कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं। आपके असली रूप के बारे में एंजेलिना मैडम को बता दूंगी। मेरी एक बुरी आदत है, ये बात किसी से मत कहना। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं ये नहीं बोलता। आप चाहे मेरी जान भी ले ले, लेकिन मैं आपके सच को बाहर ला कर रहूंगी। सर प्लीज सर। स्ट्रेंज, उसके बारे में पता लगाने के लिए बग लगाया था, लेकिन मेरे बारे में पता चल रहा है। मेरी गलतियों को वो मुझे दोबारा याद दिला रहा है। हाउ स्टूपिड एम आई। सोचा था अक्षरा का केस क्लोज हो गया है, उसका बॉयफ्रेंड भी है, ये पता नहीं लगा पाया। गलती कर दी सिद्धार्थ। राजा, तुम और गलती। वो मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा एम्प्लॉई है। मेरे खिलाफ क्या हो रहा है ये पता लगाकर मुझे बताने वाला बिना तनख्वाह का इन्फॉर्मर है। देख लेंगे। मैं देख लूंगा। तुम ही देख लेना। लंच करें क्या? एसडी कार्ड कहाँ? पता। हाय ध्रुव, कैसा है? गौतम, तुम शमशाबाद में ही हो ना? हाँ, क्यों? किसी जरूरी काम पर हो क्या? छोटा सा चोरी का केस है, तुम बताओ। ओके लिसन, कमल 25 मीडियम बेल्ट, उसके पास एक एसडी कार्ड है, उसमें सिद्धार्थ के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। वो मुझे देने वाला था। एक्चुअली हमारी बात हुई थी कि वो जिस सीएमआर कॉलेज में पढ़ता है, शमशाबाद से 15 किलोमीटर दूर है, वो वहीं पर मुझे मिलेगा। अब वो फोन नहीं उठा रहा है। आई सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग। छोटी सी हेल्प चाहिए। या श्योर, आगे बोलो क्या करना। अगर मेरे जाने के बाद वो यहाँ आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 24/56 बैंक स्ट्रीट मधुरा नगर, ये उसका एड्रेस है। तुम्हें पर्सनली जाकर उससे मिलना है। हाँ ठीक है। ओके, आई एम गोइंग राइट नाउ। थैंक्स गौतम। कॉल अब्बास। अब्बास, गौतम नाम का पुलिस वाला वहां आ रहा है। एसडी कार्ड उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। यस सर। अबे पुलिस आ रही है, जल्दी कर। कब से पूछ रहा हूँ, बता एसडी कार्ड कहाँ है? एसडी कार्ड कहाँ है? कॉल प्रीति। हे स्वीटहार्ट। आई डोंट नो। कहाँ? मे बी अ राइड और समथिंग। कितने बजे? 4 o'clock। 4 o'clock। मेरा ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। मैं अभी घर आऊंगा। आई जॉइन यू फॉर लंच, व्हाट डू यू से? ओके डार्लिंग, आई विल सी यू देन। लव यू स्वीटहार्ट। लव यू टू डार्लिंग। प्रीति को मारने वाला हूँ। क्या? प्रीति को? कुछ बताने से पहले थोड़ा टाइम देकर बोला करो राजा, वरना मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। जब उसे पहली बार देखा था, माय हार्ट स्लिप्ड अवे। लाजवाब प्लान बनाकर उसे हासिल कर लिया। आई थिंक आई लव हर। और प्रीति ने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोलकर इशिका से मिलने जा रही है। ये धोखा ही है ना?
झूठ बोलने पर मुर्गा बना सकते हैं, उठक बैठक करवा सकते हैं, लेकिन अगर सीधे ऊपर भेज दोगे तो कैसे चलेगा राजा? थोड़ा सोच। 1 kg डार्क चॉकलेट केक। केक खाने का है क्या राजा? एनीथिंग स्पेशल सर? फॉर समवन स्पेशल। ओके। हेलो यशिका। बोलो। तुमसे एक जरूरी बात करनी है, घर आ सकती हो? नहीं, अगर कुछ बात है तो फोन पर बोलो। एक बार आ तो जाओ प्लीज। ये क्या, अचानक आवाज ही बदल गई? तुम ध्रुवा ही हो ना? हाँ, अगर आओगी तभी तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, आ रही हूँ। एक्सेलेंट। ध्रुवा इशिका को प्रपोज करने वाला है, इसीलिए घर बुलाया है। बहुत खुशी की बात है राजा। मैं अपने लवर को मारने वाला हूँ और वहाँ वो दोनों प्यार कर रहे हैं। प्रेमिका के मरने का दर्द क्या होता है ये उसे भी पता चलना चाहिए, इसीलिए इशिका को प्रपोज करने के तुरंत बाद ही इशिका को मार दूंगा, तब उसे ये दर्द पता चलेगा। दर्द तो होगा, इसलिए तुम जो भी हो, आपसे बात करने के बाद मुझे एक क्लैरिटी मिलती है। क्लैरिटी? थैंक्स फॉर द हेल्प। दो लोगों को मरवाने में मैंने हेल्प की क्या? ये कैसे हो गया? जरा शांति से सोचो, सब कुछ लौट आएगा। अब्बास, where are you? 2 minutes sir, I'll be in position. Okay. सिद्धार्थ आया था, उसके पास एसडी कार्ड है, तुम खुद जाकर उसे मिलो। उसे कैसे पता चला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है सिद्धार्थ आया था, मुझे जिंदा छोड़ने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। एक और सर्जरी जरूरी है क्या डॉक्टर? इट्स अ वेरी स्मॉल सर्जरी। सिद्धार्थ आया था, इट्स अ वेरी स्मॉल सर्जरी। कार अंदर आ गई है सर। सर कार से उतर कर जा रही है। कीप वॉचिंग, उसे कब मारना है मैं बताऊंगा। बुलाया था? बोलो बोलो। सर, आई हैव अ क्लीन शॉट टू द टारगेट। होल्ड। बोलो बोलो, क्या है बोलो ना। कुछ नहीं, आईजी सर के बेटे का बर्थडे है, हमें इनवाइट किया है, साथ चलने के लिए बुलाया था। ए, ये क्या बोल रहे हो? इसीलिए बुलाया था? हाँ। सो शैल आई? होल्ड ऑन। ओके। इसीलिए पहले फोन पर प्यार से बात कर रहे थे? गुस्से में गई थी ना, तो कूल करने के लिए वैसे बात की थी मैंने, बस। सच बोलो। और क्या होगा, क्यों बार बार वही बोल रही हो? अगर नहीं आना चाहते तो मत आओ। तुमने प्यार से बात की तो मुझे लगा कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, यही सोचकर आई थी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हर समय प्यार प्यार करती रहती हो, और कुछ नहीं सोच सकती तुम? देखो मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, वो इस जन्म में मुझसे नहीं हो सकता, प्लीज। क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? ऐसे बात करने के बजाय एक ही बार में मार दो ना मुझे।
मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमसे मैंने प्यार किया। अबॉर्ट। एनी प्रॉब्लम सर? जो बोला है वो करो। राइट सर। लकी। तुम्हारी बातें हर पल मुझे बहुत और कितनी बार बोलूं? चली जाओ यहां से। हे डार्लिंग। हे स्वीटहार्ट। हाउ वाज योर डे? आई हैव अ फीलिंग इट्स गोना गेट बेटर। अभी सिद्धार्थ से छुपकर प्रीति से मिलने के लिए 4 बजे की अपॉइंटमेंट ली है मैंने। एक मिनट रुको। देखो आगे से मेरी हेल्प करने के लिए प्रीति से ही नहीं किसी से मत मिलना। मेरी बात समझ रही हो ना? उससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने प्रीति को कॉल ही नहीं किया था। बट अपॉइंटमेंट लिया था। ऐसे ही सिर्फ तुम्हें कूल करने के लिए कहा था।